नमस्ते, आज हम लोग को क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो टाइप है, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एक वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वो क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो एयर कोल्ड चिलर, वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो वाटर कोल्ड चिलर, मतलब वो प्रोसेस तो एक ही है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या क्या टाइप है वो देखेंगे। ठीक है, वेपर अब्सॉर्प्शन कंप्रेशन सिस्टम में सिंपल अमोनिया वाटर वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिकल अमोनिया वाटर वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम एंड लिथियम ब्रोमाइड अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो चार टाइप है। वो चार टाइप में वो हम लोग को कौन सा देखने के लिए जा रहा हूँ, सिंपल अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग को देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसका पहले रेफ्रिजरेशन मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन मतलब लो टेम्परेचर, मतलब वो जो क्लोज्ड रूम है ना, ऐसा वाला क्लोज्ड रूम होगा। ठीक है, वो क्लोज्ड रूम का अंदर जो कितना हीट है, वो हीट को जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हीट को रिमूव करने के लिए, हीट को रिमूव करके उसका जो ठंडी, अभी देखो अभी इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका हीट को रिमूव करके इसका 24 नहीं तो 25 हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर को जो रखना है वो तो रेफ्रिजरेशन बोलता है। ठीक है, फिर अभी देखेंगे, अभी देखो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये मेन पार्ट्स है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर एंड वेपर जनरेटर, पंप, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड अब्जर्वर। ठीक है, अभी वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंपैरिजन करने से क्या है, इधर में भी कंडेंसर रहेगा, एक्सपेंशन रहेगा, एवोपरेटर रहेगा, लेकिन इसका जो वेपर जनरेटर, पंप एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, अब्जर्वर, चार का बदली में इधर में क्या रहेगा, कंप्रेसर रहेगा। ठीक है, फिर उसका पहले ये सिस्टम में क्या क्या यूज़ करता है, मतलब अमोनिया ना, ये सिस्टम में वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में NH3 वो जो अमोनिया है, अमोनिया इसमें रेफ्रिजरेंट है, वो H2O वाटर है ना, वाटर इधर में अब्जॉर्बर है। ठीक है, फिर उसका उसका बाद में स्ट्रांग सॉल्यूशन मतलब क्या है, वीक सॉल्यूशन मतलब क्या है, कोई कोई जगह पे टेक्स्ट बुक में नहीं तो कोई फैसिलिटी में जो यूज़ किया होगा, स्ट्रांग सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन ऐसा मेंशन किया होगा, उसका मतलब क्या है, अमोनिया ज़्यादा, मतलब अमोनिया एंड वाटर का जो कॉम्पनसेशन में मिक्सचर में अमोनिया ज़्यादा है तो स्ट्रांग सॉल्यूशन है, अमोनिया कम होगा, कम रहेगा, वाटर ज़्यादा रहने से वो वीक सॉल्यूशन है। ठीक है, यही उसका सभी ये मालूम होना चाहिए आपको। अभी चलेंगे वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर में क्या है, वेपर जनरेटर है, वेपर जनरेटर में क्या क्या रहेगा, अमोनिया एंड वाटर दोनों रहेगा, इधर में क्या है, हम लोग को हीटिंग का है, उधर में हीटिंग करने से क्या हो जाता है, वेपर है ना, वेपर तो हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल से हीट करने से क्या हो जाएगा, अमोनिया ना, अमोनिया वेपर बन जाएगा। ठीक है, इधर में जो बाहर निकलेगा ना वो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर निकलेगा, इधर में जो बाहर निकलेगा वो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर निकलेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर निकलेगा। फिर वो इधर यहाँ से इधर किधर जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर का जो अंदर में जो अमोनिया है ना वो वेपर अमोनिया वो हीट का निकालने के लिए दो सिस्टम है, मतलब एयर में जो भी निकाल कर सकता है, फिर वाटर में भी निकाल कर सकता है, इधर में हम लोग को वाटर में निकालता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाटर कूल्ड चिलर है। अगर इसमें कंडेंसर में हीट एग्जॉस्ट फैन लगा के जो हीट को रिजेक्शन करने से वो क्या हो जाता है, एयर कूल्ड चिलर बन जाता है। ठीक है, अभी जो अंदर में जो आएगा हाई प्रेशर अमोनिया वेपर, इसका अंदर आएगा जो बाहर निकलेगा वो लिक्विड अमोनिया हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, मतलब हम लोग हीट को रिजेक्शन करता हो ना, इसलिए लो टेम्परेचर बन जाएगा, इधर में जो बाहर आएगा वो लिक्विड अमोनिया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, फिर यहाँ से इधर आएगा, किधर आएगा, एक्सपेंशन वाल्व को आएगा, एक्सपेंशन वाल्व का दूसरा नाम क्या है, थ्रॉटल वाल्व बोलता है, ये दोनों एक ही है, इधर में क्या हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, रिड्यूसिंग इन प्रेशर। ठीक है, अभी प्रेशर रिड्यूस होने से क्या है, इधर में रिड्यूस होकर इधर में क्या हो जाएगा, पार्शियली एवोपरेटेड, इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, पार्शियली एवोपरेटेड अमोनिया लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, इधर में प्रेशर कम हो जाता है, कंडेंसर में टेम्परेचर पहले जो कम हो गया ना, इसलिए पार्शियली एवोपरेटेड अमोनिया लो प्रेशर लो टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा। ये किधर जाएगा, एवोपरेटर को जाएगा, एवोपरेटर में क्या हो जाता है, हीट एक्सचेंज इधर ये होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज इधर ही होता है, मतलब हीट अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके इधर में जो बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, पार्शियल वेपर से फुल्ली वेपर अमोनिया लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इधर में बाहर निकलेगा। ठीक है, लो बाहर निकलेगा, वेपर
वेपर अमोनिया लो टेम्परेचर लो प्रेशर, फिर ये किधर जाएगा, वो अब्जॉर्ब को जाएगा। अब्जॉर्ब में क्या है, वाटर जो वाटर कूलिंग वाटर से हम लोग को कूलिंग करके इधर का मिक्सिंग को फिर क्या करता है, पंप से पंप इधर होता है, पंप से इधर पंपिंग करके ये ट्रांसफ़र करके फिर वेपर जनरेटर को ये भेज देता है। इधर में जो बोला है ना अमोनिया, इधर हाई प्रेशर अमोनिया वेपर बाहर निकलेगा, बाकी इधर में जो कम वेग है ना, कम मतलब वीक सॉल्यूशन होगा, वो वीक सॉल्यूशन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में नीचे ऐसा आके इधर में अब्जॉर्ब में बन जाएगा। यही वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रोसेस है। फिर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हो जाएगा, इधर में इधर का बदले में चार का बदले में इधर में कंप्रेसर होगा बस, बाकी सब कुछ जो है वो तो एक ही होता है, वो प्रोसेस तो एक ही होता है। ठीक है, मैं आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर टू माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।